अर्शिया जम्मू की बेटी जो कि नाम रोशन किया है जिसमें पूरी दुनिया में और अर्शिया जम्मू पहुंच चुकी है और भव्य में स्वागत जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली देख रहे हैं अर्शिया जम्मू की अर्शिया यहाँ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त खुशी की लहर है यहाँ पर और देख रहे हैं जो है जम्मू की गोल यहाँ पर पहुंची है और खुशी परिवार में खुशी आप देखिए जम्मू का नाम रोशन करने के बाद जम्मू जो है वो पहुंच चुकी है लाइव में आपको दिखा रहा हूँ आप सभी उन्हें शुभकामनाएं यू टेक और जम्मू का नाम रोशन हुआ है और जम्मू की बेटी एक बार फिर से जम्मू का नाम रोशन कर जम्मू पहुंची है और छोटी सी उम्र में है और देखिए सामने तस्वीरें लाइव में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से एक नन्ही बच्ची जम्मू का नाम रोशन कर अपने सपनों को जो है वो साकार कर जो सपने देखे माता पिता का नाम रोशन किया जम्मू का नाम रोशन किया पूरे देश का नाम रोशन किया और परिवार के साथ अपना सफर जो है वो सफर वहाँ तो पूरा हुआ है लेकिन अभी जिंदगी का बहुत सफर आगे पड़ा है और हम यही दुआ करेंगे कि उसे आज जम्मू का नाम रोशन किया तो देख सकते हैं आप तस्वीरें सामने बात करने की कोशिश करेंगे परिवार के तमाम सदस्य जो है वो इनके साथ हैं और बड़ा प्यार मिला आपको कौन आपके टीचर है किसे सीखा आपने जोरावर जी हमारे साथ हम उनसे भी बात करेंगे सर कैसे देखते हैं आज जम्मू की बेटी ने जम्मू का जम्मू और बड़ी मुबारक की बात है कि हमारी बच्ची ने जिसकी उम्र सिर्फ अभी 10 साल है और 130 करोड़ की आबादी के देश में पहले टॉप 10 में वो भी जम्मू जैसे शहर जहाँ पर आर्टिस्ट का इतना कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता उसके बाद उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीद करने वाले हमारे साथ तीन जम्मू कश्मीर पसंद बच्ची ने जम्मू का नाम रोशन किया है अपने डांस के माध्यम से सभी का दिल जीत लिया ज़्यादा की आबादी में इस छोटी बच्ची ने जहाँ जम्मू जैसे शहर में जहाँ पर सर आप क्या कहना चाहेंगे परफॉर्म करने की मेहनत है और इतने सपने हैं इसके बाद में फर्स्ट टॉप 10 में आना अर्शिया अपने आप में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे आने के मुताबिक और हम उम्मीद करते हैं प्यार दिया ऐसी और कोई इतना बहुत ही किया जिनको प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं और टीम आगे और भी जिनको सपोर्ट करना है आगे भी नाम रहेंगे और आने वाले टाइम पे सवाल पूछा जाऊंगा उसको डांसर के बाद कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जाना चाहता जी एक अर्शिया कहो करके नाम से बात आई है और बहुत ही अर्शिया इनको देखकर इंस्पायर होंगी लेकिन बिल्कुल अगर चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं जैसे आज हमारे तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ देखिए मैं 10 साल की अर्शिया शर्मा जो है इनके साथ है यहाँ पर देखिए परिवार वालों ने गोद में उठाया है और किस तरीके से अब यहाँ से जो है इन्हें यहाँ से आगे ले जाया जाएगा लेकिन अर्शिया की बात करूँ तो जो सपने हर कोई इंसान सपने तो देखता है लेकिन सपनों को उन सपनों को साकार करे ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं ये बच्ची जो है महज 10 साल की है और सुपर डांसर चैंपियन बिहार में इस बच्ची ने जम्मू का नहीं जम्मू बल्कि पूरे देश का जो है वो नाम रोशन किया है और देखिए सपने देखिए बच्ची के और बाकी वालों को देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए साफ तौर पर हाथ हिलाकर अपने जितने भी चाहने वाले जितने परिवार वाले यहाँ उनका अभिनंदन करते हुए और ये लाइव विजुअल्स में आपको एयरपोर्ट से दिखा रहा हूँ किस तरीके से तमाम लोग जो है वो इनके साथ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन देखिए तस्वीरें मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ और किस तरीके से अक्षय जो है यहाँ पहुँची हैं सुपर डांसर की बात करें तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसे रिप्रेजेंट किया है ना कि जम्मू में ना कि देश में बल्कि बाहर भी उसे देखा जाता है जहाँ तमाम जो जजेस हैं वो सेलिब्रिटीज जो हैं वो वहाँ जज करते हैं इतने बड़े मंच पर थोड़ा हाइट में इतने बड़े मंच पर जो है वो इतने बड़े मंच पर जो है वो अपने प्रदर्शन को जाहिर करना अपने प्रदर्शन को शो करना ये बात है
वाकई काबिले तारीफ है। दादी साथ दादी साथ में थे वहाँ पे, दादी साथ में थे। क्या कहना चाहेंगे आप इनके साथ सफर के अंदर रहा और अभी कहना चाहेंगे? सबकी लाडली थी वहाँ पर, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने बहुत प्यार दिया, साथ ही बिहार भगवान वोट भी दिए, वोट भी दिए, बोला उन्होंने वोट भी दिए। और आपकी पहली बार आई है लेकिन इसने जीतने नहीं आई है, इसने दिल जीता है। भविष्य नहीं हो क्या कहना चाहते हैं? आज का भी ऐसा नहीं, आज का माँ बाप खुद भेजते हैं बच्चों को, वो कहते हैं किसी तरह बच्चा आगे आए, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इतनी ज्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि जम्मू से इतनी दूर तक पहुंचना और जम्मू कश्मीर का नाम जाने वाला सभी एक चेहरे पे झलक रही है। नन्ही सी बच्ची है, हमने को साकार किया है, पंख लगे हैं, टॉप पर बैठ चुकी है, कि बड़े होकर बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है वो जाना चाहूंगी और अपना नहीं अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहूंगी। तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लाइव एयरपोर्ट पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर जोरावर सिंह जी से, उनकी दादी से, उनके परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास किया और सीधा उन्होंने क्या कहा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए स्माइल देखिए और कितने खुश है, ये खुशी जो है वो दिखाती है कि अपने सपनों को किस तरीके से उन्होंने जो है वो साकार किया है। और वहाँ पर जैसे और भी लोग हैं फिलहाल तस्वीर नन्ना सा नन्ही सी बच्ची और इतने बड़े बड़े सपने सपनों को साकार कर अभी यहाँ पहुँचे हैं और परिवार के साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखे जमावड़ा देखे लोगों का, लोग किस तरीके से यहाँ देख रहे हैं और ये हर कोई चाहता है कि जब कोई नाम रोशन कर रहे उसके साथ तमाम परिवार नहीं बल्कि अन्य लोग जो उसके परिवार का हिस्सा नहीं है वो भी उसको जाने, अपने माता पिता के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से अपने माता पिता को जाना जाए कि ये उसके माता पिता जो है वो जा रहे हैं। इस तरीके का जो प्रदर्शन को पहचान होता है तो वाकई जो खुशी का लम्हा जो होता है परिवार में जो होता है वो काफ़ी होता है। और तस्वीरें मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अनन्नी सी बच्ची है और किस तरीके से इसका वहाँ प्रदर्शन भी आपने देखा नेशनल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ किस तरीके से उन्होंने डांस कर लोगों का मन जीता, पूरे देश का जो है वो मन जीता। दादी सामने होती सीट पर जो है दादी उनके साथ थे और अब किस तरीके से देखिए आगे अभी भी उनके साथ है और खुद जब इनसे बात करने की कोशिश करिए तो उन्होंने किस तरीके से कहा है कि बच्ची जो है हमारी वहाँ पर भी सबका दिल जीता, वहाँ जीतने नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने गई थी और जीत कर जो है वो पहुँची है। और देखिए और भी लोग हम उनसे बात भारतवर्ष के लिए एक प्राउड मोमेंट जो है मैं कहूँगा वो है। और किस तरीके से आशिया जो है अब आगे का सफर रहेगा हम यही दुआ करेंगे और यही कामना भी करेंगे कि इसका सफर जो है आगे जो सपने देखें वो सारे सपने जो है इनके साकार हो और परिवार ही तरीके से जनता जो है इसी तरीके से आशिया शर्मा को जो है वो प्यार जो है यही बरसाती रहे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव जम्मू एयरपोर्ट से और किस तरीके से आशिया शर्मा यहाँ पहुँची हैं और उनके भव्य स्वागत जो है वो किया गया है, हार फूलों की गोशार कर कर उनका स्वागत किया गया, परिवार वालों ने आते ही गोद में उठाया और खुशी जो है वो चेहरे के साथ रह रहे हैं। किस तरीके से वो खुश थे अभी भी देख सकते हैं तस्वीरें, ये लाइव विजुअल्स हैं, ये लाइव विजुअल्स वाहू एक्सप्रेस पे आप भी वीडियो में फिर से बात करने का प्रयास करेंगे। आप इस
जम्मू का नाम रोशन कर दिया, तो क्या कर रहे हैं? ये अपने आप में एक फख्र की बात है। ऐसी बच्ची जो कि अभी 10 साल की है। और अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपका फेवरेट जज वहाँ पे कौन थे? जम्मू जैसे शहर से उठ के जाना और टॉप 10 में रहना, ये अपने आप में नंबर 1 पर। गीता मां पे बढ़ लगे आपको। अच्छा, गीता मां की कोई स्पेशल क्वालिटी बताइए जो बाकी बच्चे जो थे उनको बोलते थे कि आपकी ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है। मैं समझता था कि सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए, ऐसी नौजवान होनहार बच्चे को एक ब्लेसिंग के रूप में। मिस कर रहे हो वहाँ पे उनको? सरकार की तरफ से भी कोई जो आपके कोरियोग्राफर थे, ऐसे बच्चों को अपना प्लेटफॉर्म देगा और हमेशा सपोर्ट करेगा। और रियासत जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खिते का नाम हिंदुस्तान में और वर्ल्ड ओवर में जो है वो फैलाएंगे। जम्मू से अगर बात, जम्मू में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा पाते। बिल्कुल, हम मतलब नए दोस्त बना के आए वहाँ, बच्चे अकेडमिक में ज्वाइन कर रहे हैं, IAS में ज्वाइन कर रहे हैं, इसी तरह फाइन आर्ट और खेल जगत में भी ज्वाइन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए स्पेसिफिक फिर से मिलोगे आप। बाकी बच्चों के लिए कोई संदेश जो आपको टीवी पर देख के, जिन्होंने आपके लिए भरपूर वोटिंग जो थी जम्मू कश्मीर से की, और ये अपना टैलेंट पूरे विश्व को दिखा। बिल्कुल, आशीष से भी दोबारा बात करेंगे। आप ऐसे ही मुझे बहुत सारे वोट कीजिए, थैंक यू मुझे इतना वोट देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। और कोई भी बच्चा या पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चे के टैलेंट को देखिए, और हार जीत चलती रहेगी, बस आगे जा रहे हैं तो कभी ना कभी पहुँचेंगे, भगवान जी हमारे साथ। अच्छी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बना वहाँ पे कोई? हाँ, वहाँ पे सारे बच्चे बेस्ट फ्रेंड थे, बॉयज वर्सेस गर्ल्स चलता रहता था सारे, लेकिन फिर भी सारे बेस्ट फ्रेंड थे, सारे बॉयज वर्सेस गर्ल्स लड़ाई तो चलती थी लेकिन याद तो आती है। कौन सी ऐसी मूवमेंट जो वहाँ पे आप मिस कर रहे हो यहाँ पर? आप बेस्ट मूवमेंट अपने सारे दोस्तों के साथ बेस्ट मूवमेंट ये है कि जब हम सारे मस्ती असली खेलते थे सारे एक साथ, तो बीच में जो लड़ाई वगैरह चलती थी वो ज्यादा सबसे याद आती। झगड़ा भी होता था आपका वहाँ पे? झगड़ा होता था, लेकिन अब वही चीज। अच्छा, वहाँ पे इतने सारे मैम ने आपकी माँ वैष्णो देवी वाली परफॉर्मेंस देखी, उनका भी कहना था कि वो जम्मू आएगी, क्या उन्होंने बातचीत की कि मैं आपके जाने के बाद जम्मू में एक बार आऊंगी? उन्होंने कहा कि मैं शो के बाद हम सारे आएंगे, वैष्णो देवी सारे एक साथ चलेंगे और जाएंगे। अच्छा अर्शिया, लास्ट सवाल पूछूंगा, वहाँ पे बड़े सारे कंटेस्टेंट थे आपके साथ, और जितने प्रतियोगी आपके साथ भाग ले रहे थे उसमें टॉप कंटेस्टेंट किसको देखे थे जो आपको कंपटीशन दे रहा था? अभी क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया, रिवील कर दीजिए। मतलब सारे कंटेस्टेंट ही बहुत अच्छे हैं जो टॉप 13 में पहुँचे हैं, वैसा कुछ नहीं है कि जो हाई टक्कर सारे। आपको क्या लगता है आपको कौन टक्कर दे रहा है? वैसा तो कुछ नहीं, सारे अब इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं सारे, मतलब बहन भाई ऐसा ही चल रहा था, तो ऐसा कॉम्पिटिशन जैसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। आशीष, जो जम्मू की जनता ने आशा छोटी सी है लेकिन इतनी बड़ी बात जो कह गई है, और साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जीत हार तो चलती रहती है लेकिन जो रिश्ते बनाए जाते हैं उन रिश्तों को जो है हमें समेट कर रखना है, मंजिल यही खत्म नहीं होती है। ये कहना मैं 10 साल की नन्ही अर्शी शर्मा का और जम्मू नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो है नाम रोशन कर और उनको गौरवान्वित कर यहाँ पहुँची है, और देखिए नन्ही सी बची और मीडिया से किसी के लिए बात कर रही है, यही दर्शाता है कि जो हौसले हैं उन्हें उतर रखना चाहिए, अपने हौसलों को कभी भी जो है वो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सपनों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखिए नन्ही सी बची से ये सीखने को मिल रहा है हमें, हमें भी अपने सपनों को जो है वो साकार करना है। आशीष शर्मा यहाँ पहुँची हैं और अब परिवार के साथ यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होंगी, इस समय एयरपोर्ट पे हम थे और इनसे सीधी बातचीत करी है, वहाँ की मूवमेंट वहाँ के पल जो है वो हमारे साथ साझा किए हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक प्राउड मूवमेंट मैं कहूँगा हमारे जम्मू के लिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर अपनी राय और शुभकामनाएं बच्ची के लिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन ये लाइव विजुअल दिखाऊँ परिवार वालों से भी बात करिए, दादी माँ भी अपनी सीट पर आए देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे और भी लोग यहाँ पर आप भी नन्ही बच्ची जो जम्मू का नाम रोशन कर यहाँ पहुँची है, इसके सपनों को जरूर आप भी जो है वो शुभकामनाएं दें और इसके भविष्य जो भविष्य के लिए आप भी कामना जो है वो व्यक्त करें, मैं यही कहूँगा। फिलहाल तस्वीरें यही छोड़ जा रहा हूँ आपको, ये बाकी जैसे ही कोई बड़ी बड़ी मिलेगी मैं आप लोगों तक भी साझा करूँगा, लेकिन आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय बांटते रहिएगा। आशीष शर्मा से जैसे बात कर बात चुकी है, इसे आप कैसे देखते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट में नए भाव एक्सप्रेस और के साथ भाव एक्सप्रेस के लिए भी आएंगे।